आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय शिक्षा सलाहकार। नमस्कार, मैं हूं परितोष और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर आज का टीडी स्पोर्ट्स। और आज के स्पोर्ट्स में हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दर्ज किया सांत्वना जीत। जी हां, भारतीय महिला क्रिकेट ने अपना दमखम दिखाते हुए कल इंग्लैंड को एक दिवसीय मैच में 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज में सांत्वना जीत दर्ज की। कप्तान मिताली राज ने कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद 75 रन बनाकर भारत को जीत के लिए अग्रसर किया है। हरफनमौला स्नेह राणा ने 24 रन के साथ 50 रनों की साझेदारी के दम पर भारत को यह जीत मिली। हालांकि सीरीज पर कब्जा इंग्लैंड का रहा, लेकिन महिला टीम ने शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में पहले ही 2 से अजेय बढ़त कायम कर ली थी। बारिश से प्रभावित 47-47 ओवर के मैच में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की आखिरी गेंद पर 219 रन बनाकर सिमट गई। भारत ने 46.3 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अपने धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर अपनी इस शानदार पारी के दौरान मिताली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। वह लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 24वें ओवर में नैट साइवर की गेंद पर चौका लगा इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज चार्लोट एडवर्ड, जिन्होंने 10,273 रन बनाया है, उन्हें पछाड़ कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। कप्तान मिताली राज और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 4थे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। हीटर नाइट की गेंद पर LBW होने से पहले हरमनप्रीत ने 38 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली। दीप्ति शर्मा भी जरूरी रन गति के दबाव को नहीं झेल सकी और 25 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शुरुआत के 9 ओवर में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 46 रनों की साझेदारी कर शानदार शुरुआत दिलाई। केट क्रॉस की गेंद पर शेफाली के आउट होने के बाद क्रीज पर आई जेमिमा रेडिग्ज ने 4 रन बनाने के लिए 21 गेंद गंवा दिए। वह सोफी एलक्लेस्टोन का शिकार बनी, जिसके बाद कप्तान मिताली राज ने टीम को एक मजबूत स्थिति की तरफ से बढ़ाया और अंत में भारत को जीत दिलाई। कप्तान मिताली अपने नए उपलब्धि से बेहद खुश हैं, साथ ही वह सीरीज को गंवा देने की वजह से दुखी भी हैं। बहरहाल महिला क्रिकेट टीम पहले के मुताबिक अब मजबूत दिख रही है। फिलहाल आज के टीडी स्पोर्ट्स में इतना ही, आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।